हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग ने बीएसएससी से जुड़ी जनरल साइंस के क्लास को देख रहे थे, ठीक है। बीएसएससी से जुड़ी क्या जनरल साइंस के क्लास को देख रहे थे और हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि जितना भी सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को और यहाँ पे आपके क्वेश्चन का जो लेवल है, एग्जाम का जो लेवल है, उसके आधार पे हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो भी आपका क्लास है ये आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मृग मर्चिका का कारण है, ठीक है, मृग मर्चिका का कारण होता है। तो मृग मर्चिका का जो कारण होता है ये क्या होता है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। अगर आप देखें यहाँ ऑप्शन नंबर डी, ये होता है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। ये किस तरह से होता है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन, इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता है ये क्या होता है कि यहाँ पे रेगिस्तान में दिन के समय, ठीक है, जो रेगिस्तान होता है, ठीक है, वहाँ दिन के समय में आपका क्या होता है, दिन के समय में यहाँ पे जो वायु होती है वो क्या होती है, वायु जो होती है वो भूमि के निकट, ठीक है, भूमि के निकट की जो वायु होती है वो काफ़ी गर्म हो जाती है, ठीक है। जब गर्म हो जाती है तो इस माध्यम से वो क्या होता है, वो आपका विरल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये विरल हो जाता है, जो वायु है वो आपका क्या होता है, विरल हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो सुदूर वस्तु से जो कोई प्रकाश आता है, ठीक है, इस वायु पे सुदूर वस्तु से जो कोई प्रकाश आता है, इस वायु पे पड़ता है तो क्या करता है, आपका अपवर्तित होता है, ठीक है। और ज्यों ज्यों वो अपवर्तित होता है त्यों त्यों वो क्या करता है, अभिलंब से अधिकाधिक क्या होता है, विचलित होता जाता है, ठीक है। अंत में यही क्या होता है, आपका इसमें पूर्ण आंतरिक प्रावर्तित प्रावर्तन में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही था आपका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का नियम यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद से नहीं आएगा तो आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है, कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्या होता है। तो मृग मर्च का कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी घटना है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण ये तो होता है, ठीक है। प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन ये भी आपका होता है, ठीक है। चीहे की कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण ये आपका नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण ये नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी होता है क्लोरोफॉल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। उम्मीद करते हैं इस तरह क्वेश्चन जितने भी हम पिछली क्लास में भी बताए हैं ये भी आपका क्वेश्चन जो हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे कह रहा है कि पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है, ठीक है। पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है, ये है आपका। तो ये किसका मिश्रण होता है, यहाँ पे पॉलिस्टर और किसका, कपास का, ठीक है। पॉलिस्टर और कपास का यहाँ पे ये आपका मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण को क्या कहते हैं, पॉलीकॉट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से अगर देखें पॉलिस्टर और ऊन को, तो पॉलिस्टर और ऊन के मिश्रण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉलीवुड, ठीक है। पॉलीवुड कहते हैं इसको, पॉलीवुड, ठीक है। पॉलीवुड यहाँ पे कहा जाता है इसको, यहाँ पे कहा जाता है इसको पॉलीवुड। और इससे क्या किया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है, कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, कि पॉलीवुड इसमें से किसे, जैसे मान लिया आपको पॉलीकॉट पूछा है, तो इसी तरह से पॉलीकॉट पॉलीवुड भी पूछ सकता है, पॉलीवुड, ठीक है, बॉलीवुड नहीं है, पॉलीवुड है, ठीक है। बॉलीवुड यहाँ पे पॉलिस्टर और उनका मिश्रण से आपको पॉलीवुड बनता है, जिसे कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको भी इस तरह क्वेश्चन को भी लगाना चाहिए, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मदद मिल सकता है, कि निम्नलिखित इंद्रों में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान, ठीक है, सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है, ठीक है। तो कोयला है, पेट्रोल है, सीएनजी है, एलपीजी है, ठीक है। तो जो सर्वाधिक होता है आपका इसका होता है 55,000 होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, 55,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है, ये होता है आपका, ये ऊष्मीय मान होता है, ठीक है, ये होता है ऊष्मीय मान एलपीजी का, ठीक है। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर यहाँ पे देखें तो इसको हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस इसको कहा जाता है,
हिंदी में, ठीक है, इसको तरल पेट्रोलियम गैस हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विफाइड, क्योंकि एग्जाम में ये भी आपको पूछता है एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए, वहाँ पे इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में रहता है, ठीक है, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये होता है आपका इंग्लिश में इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से आप जानिए, ठीक है। कोयला, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, तो एलपीजी होगा सबसे ज़्यादा इसका उसमें मान 55,000 किलो जूल पर केजी होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है आपका कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, ठीक है, परमाणु नाभिक, तो नाभिक में जो आपके होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपका नाभिक है, इसको क्या कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस इसको कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसको नाभिक कहते हैं हिंदी में, ठीक है, नाभिक, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और किनारे किनारे आपके क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, तो ये आपके होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा जो है आपके परमाणु नाभिक का क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है, जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो एलिमेंट पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, वो होता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है, और इसका जो अगर एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर वो होता है आपका कितना, 1 होता है। एटॉमिक वेट की बात करें तो ये भी आपका कितना होता है, ये आपका 1.08 के करीब होता है हाइड्रोजन का, और ये आपका किस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो ये आपका जो है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में यह पाया जाता है, एक होता है पृथ्वी के भूपर्पटी में, ठीक है, भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी में पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, इसको याद रखेंगे, पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका 8 होता है, और एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, ये होता है 16, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये भूपर्पटी में पाए जाने वाला सबसे अधिक जो है तत्व है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड में कह रहा है हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, अगर खोज की बात करें तो ये किया था हेनरी, हेनरी कवेंडिस, ठीक है, कवेंडिस ने, हेनरी कवेंडिस ने किया था, ठीक है, हेनरी कवेंडिस ने खोज किया था यहाँ पे हाइड्रोजन की, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी आपके जो है नॉलेज में रहेगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाली क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये है आपका हीलियम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से ऑक्सीजन, ये है आप कार्बन को, ये सी से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर 6, और एटॉमिक वेट कितना होता है 12, ये आपको बताया है 8 और 16, ये 2 और ये 4 हो जाएगा, ये 1 और ये एटॉमिक वेट 1.08, ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको भी जानकारी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि गोताखोरों द्वारा जो आपके समुद्र में, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ गैस को मिश्रित किया जाता है वो कौन सा गैस है, तो आपका नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, तो किसका किया जाता है, हीलियम का, ठीक है, हीलियम का किया जाता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, और 4 इसका एटॉमिक वेट हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है, और हीलियम आपका क्या है, अक्रिय गैस कहा ये होता है आपका, ठीक है, अक्रिय गैस, ठीक है, 0 ग्रुप के शून्य वर्ग के तत्व ये कहलाते हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 18 होता है, शून्य वर्ग के तत्व होते हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 18 के ये आपके तत्व होते हैं हीलियम, ठीक है, तो ये आपका बहुत सारा इसके बारे में जानकारी यहाँ पर हीलियम, और ये होता क्या है कि रक्त में कम विलेय होता है अधिक दाब पर, ठीक है, रक्त में कम विलेय होते हैं अधिक दाब पर, ठीक है, कम विलेय, अधिक दाब पर कम विलेय होते हैं, इसलिए जो है हम अपने ब्लड में इसका यूज किया करते हैं, तो हीलियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, पॉलीएमाइड, ठीक है, पॉलीएमाइड इसका यहाँ पे यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए इसमें से ये बहुलक आपका उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, ये होती है यकृत, ठीक है, यकृत होती है सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत, इसका जो वेट होता है ये होता है 1.5 kg, ठीक है, 1.5 kg का ये होता है इसका वेट, और यहाँ पे क्या होता है, ये आपके 15 से लेकर 22 सेंटीमीटर ये क्या होता है, लंबी में, लंबाई और चौड़ाई में होता है, ठीक है,
लंबाई और चौड़ाई में होता है। ये प्रमुख पाचक ग्रंथि है, ठीक है, प्रमुख ये क्या है, पाचक ग्रंथि, इसको भी याद रखेंगे, पाचक ग्रंथि होता है, प्रमुख पाचक ग्रंथि, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। 15 से 22 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई इसकी होती है। यकृत की जो वेट होती है वो 1.5 kg होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ये थोड़ा सा सुधार लेंगे, यकृत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ठीक है, अमीनो अम्ल का बहुलक क्या होता है, तो अमीनो अम्ल का बहुलक जो होता है ये प्रोटीन होता है, ठीक है, अमीनो अम्ल का बहुलक क्या होता है, प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अमीनो अम्ल का अगर फार्मूला देखें, इसका जो सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र क्या होता है, ये होता है, आपको यहाँ पर देखेंगे ये होता है NH2, NH2, CH2, ठीक है, NH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, आपका OH, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, सूत्र होता है, ये अमीनो अम्ल का फार्मूला होता है, ठीक है, अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल सूत्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, NH2, CH2, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, ठीक है, ये अमीनो अम्ल का फार्मूला होता है, तो आंसर ए हो जाएगा, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन। अगला देखिए, अगला है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, ठीक है, तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, ये होता है आपका इलियम में, ठीक है, इलियम, इलियम को क्या कहते हैं, इसको छोटी आंत भी कहा जाता है, इलियम को छोटी आंत कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे, दूसरे तरीके से नाम बदल के दिया था इलियम, तो इलियम को कहते हैं छोटी आंत। इसका जो आपकी लंबाई होती है कितनी होती है, 7.5 meters होती है, ठीक है, यहाँ पे 7.5 meters इसकी लंबाई होती है। तो इसका जो अवशोषण जो होता है भोजन का सर्वाधिक, ये क्या होता है, इलियम में होता है, जिसको हम छोटी आंत के नाम से कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया किसमें किया जाता है, ठीक है, तो समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों की पुर्जी को साफ करने में, संकेत भेजने में, उपयुक्त सभी में। तो ये आपको देखेंगे यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे। समुद्र की गहराई पता लगाने में भी किया जाता है, घड़ियों को साफ करने में भी, संकेत भेजने में भी, सब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ये भी अच्छा क्वेश्चन था पराश्रव्य ध्वनि का। मस्तिष्क का कौन सा भाग यहाँ पे सोचने का कार्य करता है, ठीक है, तो सोचने का कार्य क्या करेगा, अग्र मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क होता है ये मस्तिष्क का जो है ये भाग जो है सोचने का कार्य करता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, लार किसके पाचन में मदद करती है, ठीक है, तो ये जो आपका जो जो लार होता है, ठीक है, ये आपके हमारे जो स्टार्च होता है, ठीक है, तो स्टार्च के पाचन में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है, स्टार्च के पाचन में क्या करती है, मदद करती है स्टार्च के, ठीक है, लार, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, ये भी बायोलॉजी से है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, ठीक है, तो इंसुलिन में जो आपकी धातु मौजूद होती है वो होती है जिंक, जस्ता, ठीक है, जिंक होती है, यहाँ पे ZN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 65 इसका क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक का ये आपका एलिमेंट होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो इंसुलिन में आपका जस्ता पाया जाता है, ठीक है, जस्ता, तो ये आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा है। अगर कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसमें से कोई भी व्यक्ति अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो के से जुड़ी कोई भी अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरी है, तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, सजेशन देना है तो दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।